हेलो गाइज, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं टेली यूट्यूबर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे हम पीडीएफ फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे। कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हमें ऑनलाइन में करना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे SOR करके एक PDF फाइल है, जिसमें मेरा कुछ टेक्स्ट है बॉक्स के अंदर है और यहाँ पे अपना उसी हिसाब से इमेजेस भी हैं। और ये जैसा है एज इट इज़ हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर हम एक एक करके कॉपी करेंगे तो मेरा यह क्या होगा ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे 7 पेजेस का है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपका जिस सिस्टम में आप कन्वर्ट करोगे, आपके लिए उधर नेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। नेट कनेक्शन ख़त्म होने के बाद आप यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करिए, और क्रोम ब्राउज़र में हमें सबसे पहले टाइप करना होगा PDF to Excel। जैसे हम यहाँ पे PDF टू एक्सेल सर्च करेंगे, पहला रिजल्ट आएगा smallpdf.com करके है। यहाँ पे PDF टू एक्सेल कॉन्वर्ट 100% फ्री, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को पहला जो पेजेस खुलेगा, यहाँ पे PDF टू एक्सेल कॉन्वर्ट, और ये हमें यहाँ पे फाइल चूज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइल जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे जा सकते हैं, या तो फाइल अगर है तो ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल चूज कर लेता हूँ। फाइल चूज करने के लिए आपका डेस्टिनेशन फाइल जहाँ पे वहाँ पे शो करना होगा। अब यहाँ पे डेस्कटॉप में मेरा SOR करके है, ये मेरा फाइल को हम ओपन करेंगे, और ओपन करते ही ये अभी अपलोड होना शुरू होगा। अब ऊपर देख सकते हैं ये नीला लाइन टाइप का जो जा रहा है, ये अभी मेरा अपलोड हो रहा है उसी स्पीड से। आपका नेट स्पीड जितना अच्छा होगा ये उसी हिसाब से अपना काम करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये अपलोड हो चुका है। जो मेरा फाइल है 3.62 MB का है SOR PDF। हमें पहला वाला ऑप्शन कन्वर्ट टू एक्सेल पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चूज ऑप्शन पे कर देना है। तो ये क्या करेगा, फाइल एक्सेल फाइल को कन्वर्ट करके हमें दे देगा हाथों हाथ। फिर हमें इसे डाउनलोड करना है और ओपन करके अपना काम करना है। तो यहाँ पे मेरा फाइल अभी कन्वर्ट हो चुका है। योर PDF फाइल हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अन एडिटेबल एक्सेल फाइल। यहाँ पे हमें डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइल जैसे ही मेरा कन्वर्ट हो चुका है वैसे यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं SOR कन्वर्टेड करके दिखा रहा है। फाइल का नेम एज इट इज रहेगा, लेकिन कन्वर्टेड करके आगे लगा रहेगा ताकि हमें पता चले। एक्सेल के ऊपर हमें फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा एक्सेल फाइल अभी खुल चुका है। मैं यहाँ पे इनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फाइल एज इट इज़ रो जैसा था वैसे हिसाब से आया। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर लेता हूँ। SOR फाइल को हम यहाँ पे ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे एज इट इज़ मेरा आया है कि नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा इमेजेस भी है और टेक्स्ट भी है, वो भी बॉक्स के अंदर है। तो हम यहाँ पे एक्सेल फाइल में जाते हैं, वो मेरा एज इट इज़ बॉक्स के अंदर है। जैसे समरी ऑब्जर्वेशन है, पावर सबस्टेशन है, यहाँ पे उसी हिसाब से ये मेरा डॉक्यूमेंट आया हुआ है लाइन बाई लाइन। तो इसके अंदर हमें जितना भी देख रहे हैं ये चीज़ हो चुका है। फिर नेक्स्ट टैब में जाएंगे तो हम लोगों का जो नेक्स्ट वाला सिस्टम आया हुआ है यहाँ पे दूसरा पेज में जो है वो यहाँ पे दिखा देगा कि आपका किस हिसाब से डाउनलोड हुआ है। इसको मिनिमाइज करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज को भी हम सिलेक्ट करके दूसरा जगह सेव कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए इस इमेज को तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक कर देना है, और यहाँ पे इस इमेज ये इमेज को अगर आपको चेंज करना होगा तो आप यहाँ पे चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हुए आप पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से हम लोगों का ये काम करता है। अगर आपको ये वीडियो में किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिए। अगर इस चैनल में आपको अच्छा लगे तो कुछ जानकारी चीज़ मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थैंक यू दोस्तों।